Hello everyone, my name is Banti Kumar and I welcome you to our special vocab series. So in the first place, I'll tell you more than 20 words related to the word dekhna, jo Hindi ka ek shabd hai dekhna. Isse related main aapko 20 shabd bataunga and I'll tell you specifically their definition, their uses and their differences. So without wasting any precious time, let's hit the content. तो पहला वर्ड है हमारा सी. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हेन वी कैन सी द थिंग्स नेचुरली विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. चीजें जो हमें स्वाभाविक रूप से दिखाई देती हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, यानी हमारे आंखें हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा ही देगा. इस केस में आपको कोई भी चीज दिखाई देती है तो आप सी यूज कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए आप सी यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सी मैनी थिंग्स अराउंड मी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई सो अ बेगर स्टैंडिंग बाय द रोड साइड. यानी जब मैं आ रहा था तो मैंने आते हुए एक बेगर को रोड के किनारे खड़ा हुआ देखा, तो इसमें मेरे को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं आ रहा था तो मुझे दिखाई दे गई. हमारा नेक्स्ट वर्ड है लुक. डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हेन वी शिफ्ट आवर अटेंशन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग टू लुक क्लोजली. जब हम अपना ध्यान एक तरफ से दूसरी तरफ किसी चीज को गौर से देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए लगाते हैं, तो उस केस में हम लुक यूज करते हैं. इस पिक्चर में देखिए, ये टीचर अभी कुछ लिख रहा है और ये जो स्टूडेंट्स लोग हैं ये अभी अपना ध्यान लगाए हुए हैं किसी और चीज में. जब ये लिखकर इसको फिनिश कर देगा तो इन सबको ये बोलेगा, अब इनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो वो क्या बोलेगा, हे एवरीबॉडी नाउ लुक एट द बोर्ड और लुक एट मी. जब भी कोई क्लास में टीचर होता है, जब किसी स्टूडेंट का ध्यान टीचर की तरफ नहीं होता है, तो टीचर ऐसे में क्या यूज करता है, लुक यूज करता है. तो यहां पर आप लुक यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लुक एट द मैन ही इज वॉकिंग ऑन द वॉल. अब देखिए, यहाँ पे आपका ध्यान कहीं और है और मुझे आपका ध्यान उधर करना है, तो फिर आप अपने डायरेक्शन चेंज करेंगे देखने का. तो यहाँ पर मैं अगेन लुक ही यूज करूंगा. She is looking at herself into the mirror. वो अपने आप को मिरर में देख रही है, तो यहाँ पर भी हम लुक यूज करेंगे क्योंकि वो अलग अलग एंगल से घूम घूम कर गौर से निहार रही है, देख रही है अपने आप को. लेट्स सी द डिफरेंस. सी हम यूज करते हैं नेचुरली जब कोई चीज हमें दिखाई देती है, लेकिन लुक यूज करते हैं जब हम अपना ध्यान एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं. तो इनमें ये डिफरेंस है. जैसे अभी आप कहीं पे बैठे हुए हो, चीजें नेचुरली दिखाई देती हैं, और यदि मैं आपको बोलता हूं अरे देखो वो कैसा यूनिक पक्षी है, तो यहां पर आप लुक यूज करेंगे. आई होप आपको समझ में आ चुका होगा. नोटिस. तो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन फर्स्ट. टू सी or identify some certain points in something or in somebody, or become aware of some certain points by seeing or hearing it. यानी मैं आपको सामान्य भाषा में समझा देता हूं, किसी इंसान या किसी चीज के लुक या बिहेवियर के बारे में जो हम उसके प्लस या माइनस, यानी उसके उसमें अच्छाइयाँ क्या है, उसमें बुराइयाँ क्या है, इन पॉइंट्स को जो आइडेंटिफाई करते हैं, इसी को नोटिस करना बोला जाता है. जैसे आप पब्लिक अपीयरेंस में पार्टीज वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे लोग आपके ड्रेसिंग सेंस को, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ को नोटिस करते हैं. आप भी दूसरों का नोटिस करते होंगे. यानी आपको इंसान तो पूरा दिखाई दे रहा है, चीज पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन आप उसमें आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं, वो जो पॉइंट्स होते हैं
वो जो उनके प्लस माइनस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना ही नोटिस करना कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। लेट्स टेक एग्जांपल। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू चल रहा है और इस इंटरव्यू में जब आप भी खुद इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका इंटरव्यूअर आपके बहुत सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, यानी वो नोटिस करता है आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। ही नोटिस्ड दैट हर कन्विंसिंग एबिलिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज आई नोटिस्ड अ स्ट्रेंज स्मेल इन दैट रूम। आई कुड नॉट नोटिस दैट शी वॉज सिटिंग अराउंड मी। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन लुक एंड नोटिस। तो लुक में आपको पूरा इंसान या पूरी चीज दिखाई देती है, वेयर एज नोटिस की जब हम बात करते हैं तो आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना होता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। व्हेन आई लुक्ड एट हर आई नोटिस्ड दैट शी वाज नॉट हैप्पी ऑल्दो शी वाज स्माइलिंग। यानी कि वो स्माइल कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने ये आइडेंटिफाई किया, मैंने नोटिस किया कि वो खुश नहीं थी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इन व्हाट वे वी यूज दिस नोटिस। अब आपके लिए टास्क यह है, ये जो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ आपको इसमें नोटिस करना है। जो भी आप नोटिस करते हो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। Hey buddy, how did you like the video? I hope you must have enjoyed it. If you have liked it, then give us some encouragement and I would love to see you in the next video. Bye.